नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी बनाने के लिए मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता है। देखिए, ये मैंने गुड़ लिया है एक कटोरी, ये घी लिया है एक बड़ा चम्मच, एक बड़े चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, और ये मैंने आटा लिया है। जितना मैं गुड़ लूँगी उससे दो गुना ज़्यादा, ढाई गुना ज़्यादा आटा लूँगी। ये देखिए, मैं गुड़ इसमें डालकर थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दूंगी। पानी में इसमें आधा डालूंगी, कटोरी में आधी कटोरी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसे भीगने देंगे जब तक हम इसे मेल्ट कर लेंगे अच्छे से, और अच्छे से भिगो देंगे। इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। सिम रखिए और इसे रखकर धीरे धीरे इस तरह पिलाते रहे। देखिए, इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब मैं इसे उतार देती हूँ और ये ठंडा होएगा जब तक पूरा गुड़ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए पकड़ियों को, और अब हम आटा लेंगे। हमने एक कटोरी गुड़ लिया था, अब हम इसका ढाई गुना आटा लेंगे। आटा मैंने ज़्यादा बारीक नहीं लिया है और ज़्यादा मोटा नहीं लिया है। देखिए, मैं इसका ढाई गुना आटा ले लूँगी। ये दो, और ये ढाई गुना आटा। देखिए, आपको अगर ये लगे कि हमें हमारा गुड़ ज़्यादा है या आटा ज़्यादा है तो आप इस तरह नाप कर ले लीजिए। और जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट होता है मैं इसमें मोहन दे दूँगी। ये हमने घी लिया है मेल्ट किया हुआ, और मैं इसमें घी का मोहन डालकर अच्छे से मिला लूँगी। इसे अच्छे से मिला लूँगी जब तक ये हमारा ठंडा हो जाएगा। देखिए, आप लोग गुड़ पापड़ी में मोहन अच्छे से दीजिएगा, इस तरह मोहन से अपने लड्डू बन जाए। ये देखिए, अच्छा सा मोहन देने से ये सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। ये देखिए, इससे हमारे गुड़ पापड़ी बहुत ही क्रिस्पी लगेगी। ये देखिए, अब मैं इसमें गुड़ मिला लूँगी। पहले हम अपने गुड़ को चेक करते हैं ये ठंडा हुआ है या नहीं है। इसे बिल्कुल ठंडा करके मिलाना है, अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें छान कर डालेंगे। छान कर डालने से गुड़ की जो गंदगी है वो बाहर रह जाती है। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा डालकर इसे हम मिलाते जाएंगे इस तरह। इसे अच्छे से मेल्ट कर दीजिए और इसका डो लगा लीजिए। इस तरह हम हमारा डो लगा लेंगे, और डो लगा कर इसे दो तीन मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इधर हम हमारा तेल गरम करने रख देते हैं। मैंने गैस ऑन कर दी है और ये हमारा तेल गरम हो रहा है। मैंने रिफाइंड तेल लिया है, आप चाहो तो कोई सा भी रिफाइंड तेल या घी यूज में ले सकते हो। ये देखिए, हमारा डो सेट हो गया है। अब हम हमारी गुड़ पापड़ियाँ बनाएंगे। गुड़ पापड़ियाँ बनाने के लिए अगर आप चाहो तो छोटी छोटी लोई बनाकर, छोटी छोटी बेल कर डायरेक्ट बना सकते हो, नहीं आप एक इसकी रोटी बना लीजिए। और रोटी बनाकर इसकी अच्छे से रोटी बना लेंगे और कटिंग कर लेंगे कटोरी से। इस तरह रोटी हमें मोटे पराठे की तरह बनानी है। ये देखिए,
इस तरह हमने मोटा पराठा बेल लिया है। इसकी मोटाई आप इतनी रखिए मोटे पराठे की तरह। अब हमने कटोरी से काट लेंगे। एक बार में तीन तीन काट लेंगे। अगर ये आपके चिपक रही है तो आप इसके नीचे थोड़ा सा घी लगा लीजिए। ये देखिए हमारी गुड़ पापड़ी तैयार है। हमें डो सख्त लगाना है, इस तरह का सख्त डो लगाना है हमें। अब हम हमारी गुड़ पापड़ी डाल देते हैं और इसे अच्छे से धीमी गैस पर फ्राई कर लेंगे। देखिए इसमें दो गुड़ पापड़ी डली है तो आप दो डालिए, और तीन डले तो आप तीन डालिए। अगर आप चाहें तो इसे छोटी छोटी इस तरह भी बेल सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी गोलियां बनाइए इस तरह, और छोटी छोटी बेल कर आप छोटी छोटी बेल कर भी डाल सकते हैं इस तरह। इस तरह छोटी छोटी बेल कर भी आप अपनी गुड़ पापड़ी तैयार कर सकते हैं। आप डो को सख्त रखिए, और अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो मैंने एक कटोरी गुड़ लिया है और ढाई कटोरी आटा लिया है, आप तीन कटोरी आटा ले लीजिए। ये देखिए हमारी गुड़ पापड़ी बिल्कुल मीडियम गैस पे है। आप इसे मीडियम गैस पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। ये देखिए हमारी गुड़ पापड़ी तैयार है। इसे अच्छी सी सिकाई करनी है हमें, और गैस बिल्कुल धीमी रखनी है। और अगर आपको लगे कि आपकी गुड़ पापड़ी टूट रही है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए बनाकर रख दीजिए, और फिर बाद में धीरे धीरे आराम से बनाइए, आराम से इसे फ्राई कीजिए। देखिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और देखिए इसी तरह हम हमारी सारी गुड़ पापड़ियाँ तलकर तैयार कर लेंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह हमने हमारी सारी गुड़ पापड़ियाँ बनाकर फ्राई कर ली है। अगर आपकी गुड़ पापड़ियाँ टूटती हैं तो प्लीज़ आप इसे किचन टावर पर थोड़ी देर के लिए बनाकर रख दीजिए, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल मीडियम गैस पर आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने गैस बंद कर दी है, हमारी गुड़ पापड़ियाँ तैयार हो गई है। अगर आपसे रोटी बेल कर नहीं बनती है तो आप थोड़ी थोड़ी लोई तोड़कर छोटी छोटी बना लीजिए। ये देखिए हमारी गुड़ पापड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। थैंक यू।